खुल जा सिम सिम। तो दोस्तों निकल आया हमारा सैंडिस्क का जो 128 GB वाला मेमोरी कार्ड है, वो सैंडिस्क अल्ट्रा माइक्रो एसडी एक्ससी यूएचएस 1 ये कार्ड का क्लास होगा। Hey, what's up beautiful people? I hope कि सब ठीक हो। वैसे आप सभी को ठीक ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। तो वेलकम बैक यू पीपल अगेन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसे इसका पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, इसका पहले वाला ब्लॉग जो था वो है लेनोवो आइडिया पैड का D330 टैप का लैपटॉप अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद मैंने रियलाइज किया, एक्चुअली वो खरीदने के टाइम ही मैंने रियलाइज किया था कि उसमें जो 128 GB ऑफ स्टोरेज है तो वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, और उसमें मैं ज़्यादा प्रेशर या फिर जोर डालना नहीं चाहूँगा। इसलिए मैंने एक्सटर्नली उसमें सपोर्ट है 256 GB ऑफ मेमोरी, तो उसमें से मैंने 128 GB सैंडिस्क का नाइट्रो मेमोरी कार्ड मैंने मंगाया। तो चलिए आज वो आ गया है और करते हैं उसका अनबॉक्सिंग। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, सो प्लीज सी द वीडियो टिल एंड। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन पता ही आप लोगों को करना क्या है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल लेके इट्स क्रिएशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इसका पहले वाला ब्लॉग में आपने शायद देखा होगा मेरा एक लैपटॉप अनबॉक्सिंग का वीडियो, लैपटॉप बोले तो टैप कम लैपटॉप मेरा लेनोवो D330 का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों उस पर 4 GB ऑफ रैम था और 128 GB ऑफ SSD था, SSD और eMMC, तो ये दोनों में एक कैटेगरी उसमें है। तो दोस्तों उसका जो मेमोरी है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 128 GB मैं सिस्टम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ डालना नहीं चाहता। इसलिए मैंने एक और 128 GB सैंडिस्क अल्ट्रा का 120 MBPS स्पीड वाला ऑर्डर कर दिया था, जो आज आकर पहुंचा है। और हाँ दोस्तों, जैसे ही वीडियो में आप लोग पूछते हो कि चीज़ के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे को पड़ा है 1400 रुपीज़। तो दोस्तों 1400 में मेरे को ये 128 GB ऑफ सैंडिस्क अल्ट्रा क्लास 1 120 MBPS स्पीड वाला मेमोरी कार्ड मिला है। तो आज ही ये पार्सल आया है, और चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए करते इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट। वैसे दोस्तों पार्सल आया है बैंगलोर से, तो इसको मैंने सैनिटाइज कर लिया, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो कोरोना का अटैक फिर से बढ़ रहा है। तो चलिए इसको यहाँ से करते हैं अनबॉक्स। चलिए दोस्तों ये हो गया अनबॉक्स, और देखते हैं इसके अंदर में क्या है। खुल जा सिम सिम। तो दोस्तों निकल आया हमारा सैंडिस्क का जो 128 GB वाला मेमोरी कार्ड है, वो सैंडिस्क अल्ट्रा माइक्रो एसडी एक्ससी यूएचएस 1 ये कार्ड का क्लास होगा, फॉर बेटर फोटोज एंड फुल एचडी वीडियोस A1 फॉर फास्टर मोबाइल ऐप परफॉर्मेंस। ओके, तो दोस्तों इसमें कुछ कॉन्टेस्ट के लिए यहाँ पे स्क्रैच करने के लिए ऑप्शन है, तो वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़, ये 120 MBPS वाला जो स्पीड है ये, और ये जो इसका कैपेसिटी है। और दोस्तों ये क्लास 10 प्लस है, तो यह है इसका ओवरव्यू। पैक तो वैसे बढ़िया है, लेकिन इसमें कोई एडाप्टर नहीं मिला है, बस खाली मेमोरी कार्ड ही मिला है। तो दोस्तों इसका पीछे वाला साइड देखते हैं एक बार कैसा है। दोस्तों इसका पीछे वाला साइड में इसका कुछ कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह लिखा है, कहाँ से इंपोर्ट हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग शायद देख सकते हो मेरी तरह, यहाँ पे इसका 2500 का एक MRP दिख रहा है, ₹2500। तो ये मेरा कोई दोस्तों मिला है 1400 में। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसका टोटल अनबॉक्सिंग, और दिखाते हैं आप लोगों को कि कार्ड का क्वालिटी कैसा है। वैसे इसमें खास कुछ दिखाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी
आप लोग मेरा ऑडियंस हो, आप लोगों को मेरा हर कोई नया चीज़ देखने का हक है, तो उसी हक से आप लोग ये डिज़र्व करते हो, तो मैं इसको कट करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों एक बार गौर से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये 128 GB वाला जो मेमोरी कार्ड है उसका बॉक्स, ये है मेन चीज दोस्तों, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाल, 128 GB इतने छोटे में है, कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा इसका पीछे वाला और एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका पीछे वाला हिस्सा कुछ ऐसा है। तो चलिए करते इसको कट और आप लोगों को दिखाते हैं मेन जो मेमोरी कार्ड है वो। तो दोस्तों इसको कटने के लिए आपको फॉलो करना है यहाँ का जो बॉर्डर है, इसी को काटना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यू पीपल कैन सी कैंची का, कैंची से कट करने का यहाँ पे एक साइन दे रखा है। तो मैं इसी बॉर्डर को पकड़ के इसको ऐसे ही काट रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऐसे मेजरमेंट में इसको बनाया जाता है कि आप यहाँ से काटोगे तो आपको इसको ओपन करने का जो ट्रिक्स है वो अपने आप ही मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने काट दिया इसको, अब इसको ऐसे करके पकड़ना है, क्योंकि इसके पहले मैं काफ़ी सारा मेमोरी कार्ड्स अनबॉक्स कर चुका हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मेरे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको काम में लगा के इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे यहाँ से प्रेस करना है, फिर जाके ये निकल पड़ेगा। तो दोस्तों ये निकल आया सनडिस्क 128 GB क्लस 10 मेमोरी कार्ड सनडिस्क अल्ट्रा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एक सिल है, तो मैं ये भी काटता हूँ आप ही लोगों के सामने। दोस्तों ये सिल भी मैं काट दिया, अब ये मेमोरी कार्ड हो गया टोटली अनबॉक्स्ड। तो दोस्तों ये है मेमोरी कार्ड, आप लोगों को दिखाता हूं और एक बार, ये है मेमोरी कार्ड सनडिस्क अल्ट्रा 128 GB वाला, जो मैं अपना लेनोवो D330 ट्विन वन लैपटॉप में डालने वाला हूं। तो यह तक था आज का वीडियो, सनडिस्क अल्ट्रा 128 GB वाला मेमोरी कार्ड का अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक एज क्रिएशन। आगे भी इससे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए मेरा चैनल एंड शेयर कीजिए मेरा कॉन्टेंट्स एट योर सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, सी यू एट नेक्स्ट टाइम। अगर अभी तक देख रहे हो और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक एज क्रिएशन। एंड हाँ दोस्तों इसके बाद वाला जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल करते हैं वो पर्टिकुलर डिवाइस में, टैब कम लैपटॉप में, और उसमें वो जो डिवाइस है उसको कीबोर्ड से कैसे डिटैच करते हैं, कीबोर्ड में कैसे उसको अटैच करते हैं, फिर उसका जो मेमोरी कार्ड स्लॉट वो कहाँ पर है, ये डिटेल इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए करिए इंतजार, तब तक के लिए सी यू बाय बाय, इज द टाइम टू साइनिंग ऑफ एक एज क्वेश्चन, बाय बाय।